हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की पाइथन प्रोग्रामिंग की इस वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था, देखा था कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में कंस्ट्रक्टर्स। आज डिटेल में दोनों टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स हम समझेंगे, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स अलाउड है पाइथन में या नहीं वो जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन कोड के साथ। सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें आपको कोई पैरामीटर नहीं पास करना कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते टाइम। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट करी है, चैनल नाम है क्लास का, और उसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। कैसे पता चलेगा ये कंस्ट्रक्टर है? कंस्ट्रक्टर का हमेशा नाम फिक्स्ड रहता है, जो कि है डबल अंडरस्कोर INIT यानी init और फॉलोड बाय डबल अंडरस्कोर। तो इनिशियलाइज या स्टार्ट या बिगिन या इनिशियल वैल्यूज असाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्टर का यूज करता है पाइथन, इसीलिए इसका नाम इनिट कह दिया जाता है। ठीक है, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में इनिट में आप सिर्फ एक पैरामीटर पास करेंगे जो कि है सेल्फ पैरामीटर। इसके अलावा कोई और पैरामीटर नहीं पास होगा, और सेल्फ पैरामीटर क्लास में लिखे हुए सारे कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स में ऑटोमेटिकली हमें लिखना ही होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर पास हो रहा है जो कि है सेल्फ पैरामीटर, और कोई यूज़र के थ्रू या यूज़र द्वारा कोई और पैरामीटर पास नहीं हो रहा। तो चैनल क्लास का ये कंस्ट्रक्टर का क्या कर रहा है, इसने इसी क्लास का एक एट्रीब्यूट यानी वेरिएबल, जिसे हम नॉर्मल पाइथन प्रोग्रामिंग में कहते हैं, जब हम क्लास के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो चैनल क्लास का एक एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन हो रहा है जिसका नाम है नेम, और उसमें वैल्यू असाइन हो रही है माइंड योर एग्जाम। तो हर ऑब्जेक्ट जब चैनल क्लास का क्रिएट किया जाएगा उसमें एक नेम नाम का एट्रीब्यूट क्रिएट होगा, और उस वेरिएबल या उस एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी माइंड योर एग्जाम। तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा। ठीक है, मतलब हर ऑब्जेक्ट में एक कॉपी होगी इस एट्रीब्यूट की और वैल्यू सेम होगी इनिशियली, जो कि है माइंड योर एग्जाम। अब इसी क्लास में हम एक नॉर्मल मेथड डिफाइन कर रहे हैं, मेथड है प्रिंट नेम, जिसमें अगेन आप सिर्फ एक ही पैरामीटर पास कर रहे हो जो कि है सेल्फ पैरामीटर। अब यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है तो यहाँ पे आपको मेथड्स में भी और कोई पैरामीटर आप नहीं पास कर सकते। यहाँ पे मुझे और कोई पैरामीटर पास करने की नीड ही नहीं थी, इसीलिए मैंने इस मेथड में सिर्फ सेल्फ पैरामीटर पास किया है। और इसमें क्या मैं कर रही हूँ, जो भी इस क्लास का एट्रीब्यूट है, नेम जो एट्रीब्यूट है, उसे मैं प्रिंट करा रही हूँ। सेल्फ डॉट नेम मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने इस प्रिंट नेम फंक्शन को कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट नेम की क्या वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को जब मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ आप देख सकते हैं एक नंबर आ गया है, यानी ये सक्सेसफुली कोड एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि क्लास को क्रिएट करने के बाद, जैसे आप फंक्शन को डिफाइन करने के बाद कोई आउटपुट नहीं आपको मिलता, उसी तरीके से क्लास को क्रिएट करने के बाद कोई आउटपुट नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कुछ प्रिंटिंग या कुछ फंक्शन ना परफॉर्म कराए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस दूसरे वाले कोड में मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें मैंने पी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है चैनल क्लास का, और यहाँ देखिए क्योंकि चैनल क्लास का कंस्ट्रक्टर कोई और एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं ले रहा था, कोई और पैरामीटर नहीं था, तो यहाँ पे जब चैनल का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं तो इसके कंस्ट्रक्टर में भी कोई और वैल्यू नहीं पास की जाएगी एज आर्ग्यूमेंट, एम्प्टी राउंड ब्रैकेट्स ही लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट करा, अगेन सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसी ऑब्जेक्ट से अब इस क्लास का प्रिंट अंडरस्कोर नेम फंक्शन कॉल कराऊंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया है नेम की जो भी वैल्यू थी पी वाले ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है,
ओके, ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पे। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आप एक पैरामीटर एक्स्ट्रा पास कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सेल्फ। तो सेल्फ तो ऑटोमेटिक आएगा ही हर क्लास के फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल या पैरामीटर पास किया है। यहाँ पे इसे कुछ और नाम दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं, ताकि जो क्लास का एट्रीब्यूट है उससे कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम इनिट ही है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसमें एक सेल्फ पैरामीटर पास हो रहा है और एक यूजर डिफाइंड पैरामीटर एन पास हो रहा है। इस एन पैरामीटर का क्या काम है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस ऑब्जेक्ट का नेम वाले एट्रीब्यूट में जो भी हमने वैल्यू पास करी है एन में, वो असाइन हो जाएगी। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में इनिशियली सारे ऑब्जेक्ट्स के नेम एट्रीब्यूट को सेम ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एक फिक्स कर दी है हमने यहाँ पे वैल्यू इस पाइथन स्टेटमेंट से। लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के केस में हम अलग अलग वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए पास कर सकते हैं और वही वैल्यूज उस ऑब्जेक्ट के नेम एट्रीब्यूट में इनिशियलाइज हो जाएगी। अब सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक क्लास का मेथड लिखा है जिसका नाम है प्रिंट नेम। इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कराने की नीड नहीं है, तो सिर्फ सेल्फ पैरामीटर पास कराया है। सेल्फ पैरामीटर क्यों पास कराया है, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करे उस ऑब्जेक्ट के नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा सकें, सेल्फ डॉट नेम। तो इस क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है चैनल क्लास का, इसको नाम दे देते हैं P1। P1 में जब हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट तो क्लास का नाम आता है और उसके बाद अगर कोई पैरामीटर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हमारा ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है n, तो उसकी वैल्यू हमने पास करी है एज एन आर्ग्यूमेंट, जो कि है स्ट्रिंग myE। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा, रन कराया इस कोड को, अभी कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैं इसके नेम वाली एट्रीब्यूट को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैंने इस लाइन को ऐड किया है अपने कोड में और इसे मैंने रन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को आउटपुट मिला है, हेलो माय नेम इज़ myE। अब सपोज़ हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं P2। P2 को हमने क्रिएट करा, इसमें हमने नाम दिया यूट्यूब, या चलो ठीक है यूट्यूब चैनल देते हैं। तो ये असाइन हो जाएगा P2 के एट्रीब्यूट में, जो कि जिसका नाम है नेम। अब इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद, मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा, इसके बाद अगर मैं P2 का नेम वेरिएबल या नेम एट्रीब्यूट प्रिंट कराती हूँ, तो आप देखेंगे कि इस केस में आपके पास आउटपुट आएगा यूट्यूब चैनल और ना कि myE, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट की जगह P2 का जो प्रिंट फंक्शन या प्रिंट मेथड है क्लास का, वो भी टाइप करती हूँ P2 प्रिंट अंडरस्कोर नेम, और इसे मैंने रन किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस P2 ऑब्जेक्ट में जो नेम एट्रीब्यूट था उसकी वैल्यू थी यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आपको प्रिंट स्टेटमेंट में हाय हेलो माय नेम इज़ यूट्यूब चैनल प्रिंट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब कि एक ही कंस्ट्रक्टर क्लास में लिखते हुए आप उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और उसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट करी है, क्लास का नाम है प्रैक्टिस। इस क्लास में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है इनिट अगेन नाम से। पहला पैरामीटर तो सेल्फ पैरामीटर ही आएगा, जो दूसरा पैरामीटर है वो पैरामीटर है कोर्स, और कोर्स इक्वल टू नन किया है मैंने। अब यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है हमने कोर्स नाम के पैरामीटर की। इसका क्या मतलब है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू का ये मतलब होता है कि अगर कोर्स पैरामीटर की कोई वैल्यू पास करी है यूज़र ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, तो वो वैल्यू यूज़ की जाएगी। लेकिन अगर यूज़र ने
कोर्स की कोई वैल्यू पास नहीं करी, सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, तो उस केस में कोर्स की वैल्यू नन एक्सेप्ट करेगा पाइथन, ठीक है। तो अगर वैल्यू यूजर देता है तो यूजर की वैल्यू जो आर्ग्यूमेंट में पास हुई है वो यूज की जाएगी, अदरवाइज कोर्स की वैल्यू नन ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है आपका, इस कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम कोर्स की वैल्यू ना पास करें तो डायरेक्टली कोई वैल्यू पास करे बिना, कोई आर्ग्यूमेंट पास करे बिना हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जस्ट लाइक अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना। और अगर हम वैल्यू पास करते हैं तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन रहा है, ठीक है। तो हर बार इस कंस्ट्रक्टर में पहले चेक किया जा रहा है कि अगर कोर्स की वैल्यू नन है, मतलब कि यूजर ने कोई कोर्स की वैल्यू पास नहीं करी एज एन आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, तो उसमें आप प्रिंट करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। एल्स अगर कोर्स की जो वैल्यू है वो मतलब यूजर ने पास करी है, तो यहाँ पे आप एक कोर्स नाम का ही वेरिएबल, यहाँ पे थोड़ा वेरिएबल में चेंज कर देते हैं, एक जो क्लास का कोर्स एट्रीब्यूट है उसे मैं क्लास अंडरस्कोर कोर्स क्रिएट कर देती हूँ, और जो यूज़र पास कर रहा है वो वैल्यू हो जाएगी कोर्स यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोर्स जो है वो यूज़र पास कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने सेल्फ पैरामीटर नहीं यूज़ किया था, है ना, सेल्फ ऑब्जेक्ट को नहीं यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे क्लास अंडरस्कोर कोर्स जो है वो प्रैक्टिस क्लास का अपना एक एट्रीब्यूट हम बनाना चाह रहे हैं, जिसमें यूज़र द्वारा पास किए गए कोर्स की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेल्फ लिखा है। तो अगर कोर्स नन नहीं है, यानी यूज़र ने कोई वैल्यू पास करी है, तो उस वैल्यू को क्लास के एट्रीब्यूट जिसका नाम है क्लास अंडरस्कोर कोर्स उसमें असाइन कर दो और प्रिंट करा दो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। अब इसी क्लास यानी प्रैक्टिस क्लास का मैंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है माई फंक्शन। माई फंक्शन में सिर्फ सेल्फ ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, और इसमें यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोई एट्रीब्यूट है कोर्स नाम का, मतलब हैज एट्रीब्यूट क्या करता है, चेक करता है कि जो ऑब्जेक्ट पे ये फंक्शन ये मेथड कॉल हुआ है उसमें कोई एट्रीब्यूट है भी, कौन से, कोर्स नाम का, ठीक है। यहाँ पे कोर्स की जगह क्लास अंडरस्कोर कोर्स आ जाएगा क्योंकि हमने ऊपर भी चेंज कर दिया है, तो हर जगह क्लास अंडरस्कोर कोर्स आ जाएगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में जिससे माई फंक्शन मेथड कॉल हो रहा है उसमें यूज़र ने क्लास अंडरस्कोर कोर्स नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू दी थी, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर उस ऑब्जेक्ट का कोई एट्रीब्यूट नहीं है क्लास अंडरस्कोर कोर्स नाम का, तो एल्स पार्ट का सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट रन हो जाएगा। अब इस क्लास को रन करते हैं, हम देख सकते हैं कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है हमारा कोड, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में एक वैल्यू लिखी आ गई है सेल नेम के कॉरस्पॉन्डिंग, सेल के सामने, है ना। अब इसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि हमने देखा कि ये जो कंस्ट्रक्टर हमारा है वो एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, मतलब वो दो तरीके से ऐड कर रहा है, उसके पास एक से ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, ओवरलोडेड है वो काम से। एक वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह भी एक्ट कर सकता है, तो अगर जब वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह एक्ट कर रहा है तो उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं P3। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो हमें सिर्फ क्लास का नाम लिखना है और राउंड एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखने हैं। इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि P3 का जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो यहाँ पे इफ कंडीशन में चेकिंग हुई होगी, कोर्स हमने क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया है तो कोर्स ऑटोमेटिकली अपनी डिफॉल्ट वैल्यू लेगा जो कि है नन। तो यहाँ पे जब कोर्स ने नन वैल्यू ली, ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया और प्रिंट हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर से हम माई फंक्शन कॉल कराते हैं, मतलब माई फंक्शन वाला जो मेथड है वो कॉल कराते हैं।
अब इस केस में क्या होगा, माय फंक्शन में जब हमने P3 पे माय फंक्शन कॉल कराया तो ये चेकिंग हुई होगी क्या P3 के पास क्लास अंडरस्कोर कोर्स नाम का कोई एट्रीब्यूट है। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से को यूज़ करके हमने इस P3 ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा है, और P3 जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से क्रिएट हुआ है तो उसमें सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, उसके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था जो कि एक क्लास वेरिएबल क्रिएट या क्लास एट्रीब्यूट क्रिएट करके उसको वैल्यू असाइन करे। तो यहाँ पे जब P3 से मैंने क्लास का मेथड कॉल कराया है तो आप देख सकते हैं ये वाली फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई है और प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, और ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहा है मेथड कॉल्ड विदाउट अ कोर्स, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे इफ हैज एट्रीब्यूट वाला स्टेटमेंट फॉल्स हुआ है, मतलब इस P3 ऑब्जेक्ट में कोई क्लास का एट्रीब्यूट नहीं है, तो एल्स वाले पार्ट पे आया है कंट्रोल और यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है ये प्रिंट स्टेटमेंट मेथड कॉल्ड विदाउट अ कोर्स। अब एक काम करते हैं, अब एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसी क्लास का, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, नाम डिफरेंट दे देते हैं P4। P4 में हमने प्रैक्टिस नाम की क्लास को कॉल किया है, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है और कोर्स का नाम यहाँ पे दे दिया है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब P4 को हमने क्रिएट करा, क्रिएट करते टाइम आपके पास आउटपुट आया है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ होगा, जब आपने P4 क्रिएट करा, कंट्रोल आया क्लास के कंस्ट्रक्टर पे, चेकिंग हुई कि कोर्स नन है या नहीं। इस केस में कोर्स की वैल्यू नन नहीं है क्योंकि कोर्स को हमने आर्ग्यूमेंट पास करी है कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है। हम एल्स वाले पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे इस P4 ऑब्जेक्ट के लिए एक क्लास का एट्रीब्यूट क्रिएट हुआ होगा, उस एट्रीब्यूट का नाम है क्लास अंडरस्कोर कोर्स, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट हमने, जो वैल्यू हमने पास करी है कंप्यूटर साइंस, वो वैल्यू असाइन हो गई होगी, और इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है प्रिंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट से अगर मैं माय फंक्शन जो कि क्लास का मेथड है वो कॉल कराती हूँ, तो आप देखिए कि मेथड कॉल्ड विद कोर्स कंप्यूटर साइंस। तो अब इस केस में क्या हुआ होगा, जैसे ही P4 यूज़ करके माय फंक्शन कॉल हुआ, क्लास के मेथड पे कंट्रोल आया, यहाँ पे चेकिंग हुई कि क्या P4 के पास कोई क्लास अंडरस्कोर कोर्स नाम का एट्रीब्यूट है। हाँ है, तो इस केस में इफ कंडीशन ट्रू हुई है और यहाँ पे प्रिंट हो गई है मेथड कॉल्ड विद द कोर्स, जो भी आपने वैल्यू पास करी है। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया मेथड कॉल्ड विद द कोर्स और आपकी वैल्यू थी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की तरह ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को ट्रीट करना और उससे एक पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं इस वीडियो की, जो कि है मल्टीपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब कई बार आप ये सिनेरियो आपको फेस करना पड़ेगा कि आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें, उस केस में आइए देखते हैं कि पाइथन अगर आप एक से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। इसमें मैंने 3 डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, ठीक है। अब पहले कंस्ट्रक्टर में ऑब्वियसली कोई पैरामीटर किसी में भी पास नहीं हो रहा सेल्फ के अलावा। पहले कंस्ट्रक्टर में एक प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट फर्स्ट। अगर पहला कंस्ट्रक्टर यूज होगा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए तो ये आउटपुट आ जाएगा प्रिंट फर्स्ट। अगर दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, मतलब दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज होगा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो आउटपुट आएगा सेकंड। और अगर तीसरा कंस्ट्रक्टर यूज होगा तो आउटपुट आ जाएगा थर्ड। तो इस क्लास को रन करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि इसका, अब जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एम, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमने क्लास का नाम लिखा है और एम्प्टी ब्रैकेट्स दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं, इसमें कोई और एक्स्ट्रा पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने M को क्रिएट किया, आप देख सकते हैं आपका आउटपुट है थर्ड। इसका मतलब कि पाइथन ने ऑटोमेटिकली लास्ट वाली जो डेफिनेशन है उसको, लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन है उसे यूज़ किया है अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब
ऐसा क्यों किया पाइथन ने? क्योंकि पाइथन का ये रूल है, जब आप एक से ज्यादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो पाइथन हमेशा लास्ट में लिखे हुए कंस्ट्रक्टर को ही वैलिड मानता है, उसी को यूज करता है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज हम इन कंस्ट्रक्टर्स को लिखने का ऑर्डर चेंज कर दें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया है कंस्ट्रक्टर जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट है थर्ड, फिर सेकंड नंबर पे वो कंस्ट्रक्टर है जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट है फर्स्ट, और थर्ड नंबर पे जो कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसमें प्रिंट स्टेटमेंट है सेकंड। तो यहाँ पे जब मैंने इस क्लास को रन किया और फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया, आप अगेन देख सकते हैं कि आउटपुट आया है सेकंड, जो कि प्रिंट स्टेटमेंट था लास्ट वाले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट, अगर आप एक से ज़्यादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं एक क्लास की डेफिनेशन में, तो पाइथन हमेशा जो लास्ट वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसकी मदद से बाकी सारे पहले लिखे हुए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स को इग्नोर कर देता है और लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेगा ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम कैसे करते हैं, और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स क्यों नहीं पाइथन अलाउ करता। तो आई होप आपने कुछ नया सीखा हो इस वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो, आपकी नॉलेज थोड़ी भी बढ़ी हो, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए इस वीडियो के थ्रू, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आपने क्या नया सीखा और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहेंगे हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, माइंड योर एग्जाम।